मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, बहुत समय से आप दर्शकों की तरफ से ये मांग आ रही थी कि आपको नए साल का यानी साल 2020 का लाल किताब के हिसाब से भी राशिफल उपलब्ध कराया जाए। हम लोगों ने लगातार आपको समय समय पर आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। हम लोगों ने समय से पहले आपको साल 2020 का राशिफल उपलब्ध करा दिया था, लेकिन उसके बाद आप लोगों में से बहुत सारे दर्शकों की ये मांग आई ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, कि लाल किताब के हिसाब से भी हमारी राशिफल की स्थिति क्या बनती है। एक तो उसका वर्षफल, भविष्यफल भी बताया जाए 2020 में राशियों का क्या क्या रुझान रहने वाला है लाल किताब के हिसाब से, और साल को बेहतर बनाने के लिए लाल किताब के उपाय भी आप हमें उपलब्ध कराइए। तो आज इस विशेष एपिसोड में हम आपको लाल किताब के हिसाब से आपका साल कैसा रहेगा, राशियों के हिसाब से अलग अलग राशियों का वो भी बताएंगे, और साथ में आपको अपनी राशि को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए उस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लाल किताब राशिफल के क्रम में अब हम लोग बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आर्थिक लाभ होगा, लेकिन उसके साथ ही खर्चों में बढ़ोतरी भी होगी। धार्मिक कार्यों की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। अनिद्रा से आप ग्रस्त रह सकते हैं, इसलिए योग या ध्यान का आपको सहारा लेना चाहिए। आँखों का विशेष ध्यान रखें। आपके अपने सपने और ज़्यादा मेहनत के लिए प्रोत्साहित आपको आपके सपने करेंगे, एवं आपको अपने प्रयासों में प्रयास करने से आपको अपने काम में बड़ी सफलता मिले, ऐसी स्थिति भी दिखती है। किसी ज़रूरतमंद अथवा गरीब व्यक्ति की सहायता करें। फालतू खर्चों से बचने के लिए अपना बजट निर्धारित करके आपको कोई काम करना चाहिए। ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी इस दौरान आपको परेशान कर सकती है। कोशिश करें कि ज़्यादा आप न बोलें, सोच समझ करके नपातुला बोलें। इस वर्ष आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति हो। माता या पिता के समान महिलाओं के स्वास्थ्य की वजह से चिंता बन सकती है। परिवार में कोई वरिष्ठ लोग हो, वृद्ध महिला हो, या पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, या माता पिता के समान कोई जिनको आप आदर सत्कार देते हो, जिनको आप माँ बाप जैसा सम्मान देते हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। शनि देवता के प्रभाव के कारण गर्भवती स्त्रियों को अपना पूर्ण ध्यान रखना होगा। ब्लड शुगर के रोगियों को परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। पैतृक संपत्ति संबंधी मामले जुलाई के बाद सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को अपनी विषयों में पकड़ बनाने की बहुत ज़रूरत होगी। व्यापारी वर्ग के लोग आर्थिक रूप से बेहतर हो सकेंगे। संतान पक्ष की ओर से चिंता बनी रह सकती है। 25 मई से 2 अगस्त तक व्यावसायिक प्रगति देखने को मिल सकती है। आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी और रुके कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। परीक्षाओं और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। वकालत, टूरिज्म और डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए लोगों को अपने संपर्कों का लाभ बहुत अच्छा उनको मिल सकता है। इस वर्ष स्वास्थ्य यूं तो सामान्य रहेगा, परंतु हल्की फुल्की समस्याएं आप अनुभव कर सकते हैं। योग, ध्यान और उचित खान पान से आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बुधवार को गाय को हरी पालक या हरा चारा अपने हाथों से जरूर खिलाना चाहिए। भगवान गणेश की नियमित पूजा आराधना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। नहाने के पानी में कुछ बूंदें गुलाब जल की मिला करके मिश्रित जल से अगर आप स्नान करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज़ के, शुगर के जो पेशेंट हैं, उनको अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुधवार को साबुत हरे मूंग का दान करें। नौकरी में दिक्कत आ रही है तो नाक छिदवाना आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। बेटी, बहन, बुआ और साली से अच्छे संबंध आपको रखना चाहिए और समय समय पर उन्हें कुछ भेंट उपहार आपको देते रहना चाहिए। माता, गर्भवती स्त्रियों और संतान के खान पान पर आपको उचित ध्यान देना चाहिए। पैतृक संपत्ति के मामले जुलाई के बाद प्रगति आपको दिखाएंगे। परीक्षाओं और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस वर्ष आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। 25 मई से 2 अगस्त के बीच में अच्छा समय कहा जा सकता है व्यापारी वर्ग के लिए। इस दौरान नीले रंग के कपड़े आपको पहनने से बचना चाहिए। अपने सीक्रेट्स आपको दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। खासतौर पर आपके काम से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जिन्हें ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, वो आपको हर किसी को बताने से बचना चाहिए। बाएं हाथ की रिंग फिंगर में शुद्ध सोने की अंगूठी धारण करेंगे तो आपका भाग्य मजबूत होगा। यात्रा को टाल देने में ही आपके लिए भलाई रहेगी। इस दौरान 2020 में लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं या लंबे समय के लिए जो आप यात्रा करने वाले हैं, उनको करने से आपको बचना चाहिए।
आवारा कुत्तों को कुछ समय समय पर खिलाते रहना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को जो है गाय को आपको हरी पालक अपने हाथ से जरूर खिलाना चाहिए। संतान के खान पान पर आप उचित ध्यान दें। शयन कक्ष में धार्मिक चित्र ना लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आवश्यक जानकारियाँ जो लाल किताब के राशिफल आपने अभी मेरे चैनल पर सुने ये आप लोगों को निश्चित ही पसंद आए होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं, उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।